देश चलता है लोगों के बीच में रहने से, लोगों की समस्याएं सुनने में और देश को प्रगति के पथ पे ले जाने पे। आज आपने देखा होगा ना, G7 समिट जब हुआ था तो भारत के प्रधानमंत्री को सेंटर में रखा गया। आज से पहले देखा था, ढूंढना मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास स्क्रीनशॉट है। मनमोहन सिंह को आप ढूंढते रह जाओगे लेकिन मिलेंगे नहीं वो। ये देखिए G7 का पहले का था, मनमोहन सिंह आपको दिखेंगे भी नहीं, और आज की हमें सेंटर में खड़े हुए प्रधानमंत्री मोदी। लोकप्रियता में गिरावट हम तो नहीं मानते, गिरावट आई है। ये देश संभालेंगे जो न्याय यात्रा करते हैं, बीच में फिर मन करता चला पार्टी कर लेते हैं, बैंकॉक में जाके किसी लड़के के साथ सिगरेट पी लेंगे और वो खा लेंगे चिकन, फिर आ जाते हैं ओ मैं तो भूल गया था कि मैं चुनाव यात्रा भी कर रहा था, चलो दोबारा न्याय करने निकलते हैं। पहले जाओ कंटेनर के पैसे दो, जिन कंटेनर को मंगाते थे टैंकर हो ट्रक वालों को पहले पैसे दो ना, फिर बात करना देश के बारे में। महसूस हमें होती भी नहीं है। इसको तो हम कहते हैं पप्पू, जिस देश के अंदर इसको पप्पू कहते हैं वो प्रधानमंत्री के पद पे जब जाएगा इसको कौन के, और कभी जा भी नहीं सकता, कभी नहीं जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी ही रहेंगे। और मोदी जी चले जाते हैं उसके बाद योगी जी आ जाएंगे, योगी जी चले जाते हैं उसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा आएगा, हेमंत बिस्व शर्मा जाएगा, हम तो चाहते हैं टाइगर सिंह आ जाए। जिसको यही नहीं पता खेतों के अंदर टाइल नहीं लग सकती, आजकल आप बच्चों से पूछो, 5 साल के बच्चे 3 साल के बच्चे से पूछोगे ना, आटा लीटर में आता है बेटा किलो में आता है, वो भी बता देगा किलो में आता है। नेता का काम होता है लोगों के बीच में जाना, चाहे सड़ी गर्मी हो चाहे सर्दी हो, जनता के बीच में बने रहना। Z+ सिक्योरिटी के साथ घूमना नहीं होता, या अपने बंगले का वो R&D रोना नहीं होता कि मेरे से चाबी छीन ली गई, मेरे को रहने नहीं दिया गया, ये नेता नहीं होता मैडम। नेता होता कि लोगों के बीच में जाए, हर समय जातीय आरक्षण, हर समय हिंदुत्ववादी, हर समय अडानी अंबानी, हर समय पता नहीं, भारत को बनाओ ना GDP में आगे बढ़ाने वाला। चाय वाले के तो विजन है ना कि मैं तीसरे स्पेल ले आऊँगा GDP को स्तर पर। इसका क्या विजन है? इसका है कि हम 2% वाले को 50% का छीन के दे देंगे। ये कोई आपका नैतिक दायित्व है नहीं। और इनकी माँ, मैंने एक वीडियो देखी थी जब श्रीलंका से कोई नेता आए तो मनमोहन सिंह को ऐसे बुलाया गया, आप साइड में हो जाए, और इनकी माता सोनिया गांधी जी हाथ मिला रही हैं, शेख हसीना से ऐसी बांग्लादेश के वो प्रधानमंत्री से हाथ मिला रही थी। तो ये क्या है, पुराना रिश्ता है उनका, जो शेख हसीना से उनका पुराना रिश्ता है इंदिरा गांधी के टाइम से। मैडम अगर ऐसे होने लगा तो मैं भी कल को कह दूंगा, मैं भी चुनाव जीत जाता हूँ, मेरी बहन संभाल लेगी, मुझे क्या जाने की जरूरत है। देश ऐसे नहीं चलता, देश चलता है लोगों के बीच में रहने से, लोगों की समस्याएं सुनने में और देश को प्रगति के पथ पे ले जाने पे। आज आपने देखा होगा ना, G7 समिट जब हुआ था तो भारत के प्रधानमंत्री को सेंटर में रखा गया। आज से पहले देखा था, ढूंढना मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास स्क्रीनशॉट है। मनमोहन सिंह को आप ढूंढते रह जाओगे लेकिन मिलेंगे नहीं वो। ये देखिए G7 का पहले का था, मनमोहन सिंह आपको दिखेंगे भी नहीं, और आज की हमें सेंटर में खड़े हुए प्रधानमंत्री मोदी। लोकप्रियता में गिरावट हम तो नहीं मानते, गिरावट आई है। रायबरेली से भी भर देता हूँ, वायनाड से भी भर देता हूँ, बाकी के और क्षेत्रों से भी भर देता हूँ, कहीं ना कहीं तो तुक्का लग ही जाएगा मेरा, कहीं ना कहीं से तो जीत जाऊंगा। और उसके तो दोनों जगह से जीते ना, रायबरेली और वायनाड से, इसीलिए तो वायनाड सीट दे दिए प्रियंका गांधी वाड्रा को। इनकी माता सोनिया गांधी ने एक गाँव को ले रखा था गोद, उसकी तस्वीर देखी मैंने, उसकी तस्वीर ना मिट्टी के गीले लेपों से बना के रख रखी है, दीवारें भी नहीं बनी पड़ी है। ये देश संभालेंगे जो न्याय यात्रा करते हैं, बीच में फिर मन करता चला पार्टी कर लेते हैं, बैंकॉक में जाके किसी लड़के के साथ सिगरेट पी लेंगे और वो खा लेंगे चिकन, फिर आ जाते हैं ओ मैं तो भूल गया था कि मैं चुनाव यात्रा भी कर रहा था, चलो दोबारा न्याय करने निकलते हैं। पहले जाओ कंटेनर के पैसे दो, जिन कंटेनर को मंगाते थे टैंकर हो ट्रक वालों को पहले पैसे दो ना, फिर बात करना देश के बारे में। मैं आपको बताऊँ मैडम, दो लोग राजनीति में आ गए, प्रियंका गांधी वाड्रा भी आ गई है, राहुल गांधी भी काफी पहले से है। क्या लगता है अब जो पक्ष के नेता हैं, मोदी जी हैं और कई नेता हैं, क्या लगता है कहीं ना कहीं डर जाएंगे, फिर कहीं ना कहीं घबरा जाएंगे? मैडम कभी नहीं घबराएंगे, मोदी जी ने अकेले दम पे वो लोकप्रियता हासिल कर ली है। मैडम मोदी जी तो चाय वाले थे, ये तो प्रधानमंत्री के, इनको कहता हूँ चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए, इनकी दादी भी, इनकी नानी भी, अब इनके पिताजी भी थे और इनके जो है नाना जी भी थे, ये तो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ, फिर भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। और मोदी जी तो चाय वाले थे, उसने तो अपनी काबिलियत पे प्रधानमंत्री तो बन गया, पर काबिलियत होनी चाहिए मैडम, काबिलियत होगी तो आप बन सकते हो, काबिलियत नहीं है तो क्या कर लेंगे आप। जनता को कमी महसूस ना हो इसीलिए जो प्रियंका गांधी वाड्रा है उनको वहाँ से महसूस हमें होती भी नहीं है। इसको तो हम कहते हैं पप्पू, जिस देश के अंदर इसको पप्पू कहते हैं वो प्रधानमंत्री के पद पर जब जाएगा इसको कौन के, और कभी जा भी नहीं सकता, कभी नहीं जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी ही रहेंगे। और मोदी जी चले जाते हैं उसके बाद योगी जी आ जाएंगे, योगी जी चले जाते हैं उसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा आएगा, हेमंत बिस्व शर्मा जाएगा, हम तो चाहते हैं टाइगर सिंह आ जाए, राजा आ जाए। राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है प्रियंका गांधी के वाड्रा के आने से और उपचुनाव लड़ने से? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये भारत की राजनीति ऐसी, एक बार सांसद बन गया ना
उसके बाद घरों में बैठे हुए मिलेंगे। और ये तो वैसे भी घरों में बैठने वाली है, बहुत मोटी आसामी है, कोई छोटी मोटी इंसान नहीं है। घरों में बैठने वाली नहीं कह रही, जनता के बीच में जाएंगे, जनता के लिए काम करेंगे, वायनाड की जनता के लिए। साथ ही रायबरेली को जनता को छोड़ने वाले नहीं है, उनके पास भी जाएंगे, साथ ही उनसे भी मिलती रहेंगे। मैडम ये मुझसे आप लिखवा लो, ये सिर्फ बोल ही है, ये जाएगी नहीं। अगर जिस दिन चले गई तो उस दिन बात करेंगे, काम कर ही नहीं सकते। क्या काम कर लेंगे, ज्यादा ज्यादा हिंदुओं को तोड़ देंगे जाति में, उसमें खुश हो जाएंगे। ज्यादा ज्यादा ये कह देंगे कि ये हिंदुओं की तोड़ने की राजनीति है और कुछ नहीं है, और तोड़ भी चुके हैं और फ्री का दे रहे हैं। अभी कर्नाटक में इनसे कोई सवाल क्यों नहीं पूछता, मोदी जी से सवाल पूछ लिए, इन्होंने रेट बढ़ा दिए कर्नाटक में। अभी जो खटाखट देने के चक्कर में इन्होंने पेट्रोल और डीजल के जो रेट बढ़ गए, अब इनसे कोई क्यों नहीं पूछता। कर्नाटक में अच्छा काम किया होगा पहले राहुल गांधी ने, इसीलिए तो दोबारा जनता ने उनको सम्मानित किया, दोबारा वोट दिए और वो दोबारा वहाँ के सांसद बने। मैडम मैं आपको डेमोग्राफी बताता, वहाँ की डेमोग्राफी है चेंज। आपने देखा कर्नाटक के अंदर जो 8500 रुपये लेने वाली महिलाएं हैं, वो सबसे ज़्यादा एक ही कलर में लिखेगी, ब्लैक कलर में। हिंदुओं की जो महिलाएं हैं उन्हें ज़्यादा संख्या मुस्लिम महिलाओं की, सबसे हिंदुओं की महिलाओं को जरूरत ही नहीं है। हिंदू छोड़ो, जो भी मैं तो आजकल देख रहा हूँ, मुस्लिम लोग भी और मुस्लिम महिलाएं भी, मैं तो 0.01% कहता हूँ, 99.9% सारे, क्योंकि मुस्लिम के जो आप सेंसेक्स उठाओगे ना, 50% इलिटरेट है, लिटरेट नहीं है, इलिटरेट। अब पहले मैं भी मुस्लिमों के विरोध बोलता था, अब मेरा मन नहीं करता, मैंने कितना समझाओगे इन्हें। जो डंके की चोट पे कह रहा, आवास योजना मिली मिली, शौचालय मिले मिले, राशन मिला मिला, वोट दोगे, वोट तो हम उसे ही देंगे जो हमारा मर्द कहेगा, तो क्या फ़ायदा। आप किसके लिए काम कर रहे हो, मोदी जी तो कहते थे एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में लैपटॉप, किसके लिए काम कर रहे हो मैडम आप। जो कांग्रेस पार्टी को निष्पक्ष चुनाव लड़ती है, वो धर्म के आधार पर नहीं लड़ती, वो खुद ऐसा कहती है कि हम धर्म के आधार पर चुनाव नहीं लड़ते, हम जनता के लिए लड़ते हैं, हम अमीरी के लिए, गरीबी के लिए लड़ते हैं, अमीरों को नीचे दिखाने। मैडम ये ना गौरीशंकर मंदिर, यहाँ से जितने भी आदमी निकलते होंगे ना, वो लड़की नहीं छेड़ते होंगे, क्योंकि ये वक्तव्य कहने वाला कौन था, राहुल गांधी। अब प्रियंका गांधी वाड्रा ये पहली बार उपचुनाव लड़ रही है, क्या लगता है राजनीति में कुछ बदलाव आने वाला है? कुछ भी नहीं आएगा, मैं तो स्टार्टिंग से ये बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं आएगा। और इस पर मैं क्या बोलूँ, बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, जब आएगा ही नहीं, जब कुछ काम करेगी ही नहीं। 60 साल हमने दिए इस परिवार को, इसने क्या किया, ये आज तक हमारे देश को तीसरे नंबर पे लेके आई थी, नहीं आई थी, एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल में जो मैन्युफैक्चरिंग होती आज तक लेके आए, सेमीकंडक्टर की यूनिट जो लगती है लगी आज तक नहीं लगी, मेड इन इंडिया ध्रुव हेलीकॉप्टर, प्रचंड हेलीकॉप्टर, ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट किया, S-400 मिसाइल सिस्टम बनाया रशिया के साथ मिलके, 70 साल में काम क्यों नहीं हुए, हमसे बाद में सिंगापुर आजाद हुआ, हमसे बाद में चाइना आजाद हुआ, आज वो कहाँ पहुँच गए। और हमारे लोग आज भी जातियों में बांटने की राजनीति होती है, हिंदू मुसलमान की राजनीति होती है, हिंदू मुसलमान की राजनीति कभी भी मोदी जी ने नहीं करी, आप एक भी वीडियो दिखा दीजिए, कहीं नहीं बोला, लेकिन खुले तौर पे स्टालिन ने बोला कि इसको मिटा देंगे, रेडिकलाइज कर देंगे ये तो, और हिंदुओं के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं। मैं पहले सोचता था ये नेता सारे हिंदू है, लेकिन हिंदुओं को ऐसे क्यों बदनाम करते, क्यों करते, हमें पता नहीं था, हम ट्रेनिंग ले रहे पॉलिटिक्स की, हमें पता है हमारा हिंदू तो 5 रुपये की टिकट के पीछे वोट दे देता, केजरीवाल को दे दिया ना, 5 रुपये की टिकट फ्री मिली, वोट दे दिया। और उन्हें पता है अगर मुसलमान के लिए हमने कार्य कर दिया, हमें जाने की जरूरत भी नहीं है, हमें वोट मिलेगा। ओवैसी साहब की एक वीडियो देखी मैंने, जहाँ पे उकसावा था, गलियों गलियों में घूम रहे कि मुझे वोट देना, माधवी लता को मत देना। और जान एलन मस्क ने भी बयान दिया है कि बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाने चाहिए अमेरिका में चुनाव होने से पहले, क्या कहेंगे सर? मैडम मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस ने बयान दिया ना, राहुल गांधी ने, दिग्विजय सिंह इनके वो है एक नेता, उन्होंने क्या बोला, राहुल गांधी का समर्थन किया क्योंकि वो चमचे, लेकिन दिग्विजय के भाई ने क्या बोला, एलन मस्क कौन होता है बोलने वाला, वो हमारे देश के बारे में बोलेगा, जो खुद जिसकी खुद की पार्टी, अभी तो इसने ट्विटर ले लिया, ट्विटर पे आरोप लगे थे कि डोनाल्ड ट्रंप पे, फेसबुक पे आरोप लगे डोनाल्ड ट्रंप को इनको जीतने में सहायता प्रदान की है, ये हमारे देश के बारे में बोलेंगे, ये उनके वक्तव्य है छोटे भाई के। और एक बड़े भाई का क्या वक्तव्य है कि ये तो ब्लैक बॉक्स है, राहुल गांधी ने ब्लैक बॉक्स बोल दिया, इतने जब 99 सीटें ले आया, मैडम ये तो 100 भी पूरा नहीं कर पाया। अब ये देखिए, ये एक मैंने स्क्रीनशॉट लिखा, सिटी एक न्यूज़पेपर है जिसके अंदर कहा है, वाईकार किन हेडफोन डेट अनलॉक EVM, ध्रुव राठी ने एलिगेशंस लगाए थे कि EVM को फोन से अनलॉक किया गया है, जब चुनाव आयोग के पास गया ये मुद्दा, उन्होंने कहा प्रूफ दिखाओ। और उसके बाद सिटी न्यूज़पेपर है, इसने अपनी क्लेरिफिकेशन बड़े बड़े शब्दों में यह तो लिख दिया कि अनलॉक किया गया है EVM को, लेकिन जब क्लेरिफिकेशन मांगी गई तो इसके नीचे लिख दिया इन्होंने छोटे से, देखे पैराग्राफ कितना छोटा लिख रखा है, कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, OTP से है।
हम पुष्टि नहीं करते, मतलब बदनाम करने के लिए बड़े बड़े वीडियो चला दोगे प्रोपोगेंडा, और जब क्लेरिफिकेशन की बात आएगी, और इसके भी जर्मन शेफर्ड के जो पप्पी है वो भी कुछ नहीं बोल रहे, नहीं तो अभी तो सारे खड़े हो जाते ध्रुव राठी भाई की वीडियो देखो, ध्रुव राठी भाई की वीडियो देखो, इस पर क्यों नहीं बोलते? क्योंकि दहिया साहब से स्क्रिप्ट लिखवाते हो और दहिया साहब कुछ भी भाड़ देते हैं और उसके बाद उनके चमचे उनका समर्थन करते हैं।